प्रोजेक्ट पे काम चला हुआ है। हमारा है 9वां दिन। बहुत रिस्की काम होता है ये। ऊपर का व्यू भी दिखा दूं। आज हम देखेंगे कि हिमालयस की वादियों में एक घर बनाना कितना कठिनाइयों भरा रहता है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 5 बजे से पहले वो छुट्टी कर लेते हैं तो चढ़ाया जाएगा ट्रक में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए विषय पर जिसका शीर्ष दिया है हिमालयस हाउसेस कंस्ट्रक्शंस। आज हम देखेंगे कि हिमालयस की वादियों में एक घर बनाना कितना कठिनाइयों भरा रहता है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर की नींव बनाने से लेकर घर का सारा सामान बिना रोड के किस तरह पहुंचाया जाता है कंस्ट्रक्शन फील्ड तक। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम चल पड़ते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड पर। वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप मेरा चैनल रिकी हिमालयस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें हौसला मिले अपने इस काम में। सबसे पहला काम होता है कि घर बनाने से पहले हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना पड़ता है जो सड़क के आसपास हो, अगर आपकी ज़मीन सड़क से जुड़ी ना हो तो। इसके बाद दूसरी चीज़ जो ध्यान देने लायक होती है वो है घर पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगने का, क्योंकि हिमालयस में ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है। तो इस लिहाज से हमने यह स्थान चयनित किया है जो कि रोड से 200 मीटर की दूरी पर है। हिमालयस की एक और चुनौती होती है लेबर की, जो आसानी से नहीं मिलते। इस हिसाब से हमने 2 मंजिल के घर का ठेका दिया है जिसमें 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर में और 4 कमरे फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। रोड न होने के कारण हमारा सारा काम लेबर द्वारा ही शुरू किया गया, जिसमें पहला काम था फाउंडेशन बनाने का। इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ यह पानी का 50,000 लीटर का टैंक, जिसे हम बचाना चाहते थे। तो इसी टैंक के ऊपर और आसपास हमने फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू किया। फर्स्ट स्टेप था टैंक के पीछे की जगह को खोदकर चौड़ा करना, जिसमें मिट्टी के साथ साथ बड़े पत्थर भी निकाले जा रहे थे जो बाद में हमारे काम आने हैं। टैंक के पीछे की जगह चौड़ी करने के बाद हमारा काम था टैंक के लेफ्ट साइड में जगह सीधी करने का, जो कि टैंक के नींव तक जानी थी, यानी 12 फीट नीचे, क्योंकि वो जगह ही तिरछी थी और वहां सारा टैंक का मलबा फेंका गया था। इस जगह काफी पक्की चट्टान होने के कारण हमें काफी ज्यादा दिन लगे इसे समतल करने में। खुदाई के दौरान हमें मिट्टी और पत्थर का ढेर अलग अलग लगाना पड़ा, जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब अगला काम था पिलर के लिए गड्ढे करने का, जो मजबूती के हिसाब से गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक पक्की चट्टान ना आए खोदते रहना पड़ता है, जिस कारण हर गड्ढे की गहराई अलग अलग थी। गड्ढे कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप रहता है भूमि पूजन का, क्योंकि सीमेंट और सरिये लगाने से पहले यह कार्य जरूरी है। शुभ मुहूर्त देखकर पंडित जी ने पूजा कार्य शुरू किया, जो कि काफी गहराई में हो रहा है। इस दौरान रूड़ी का बड़ा ट्रक भी आ पहुंचा, जिसे अनलोड करने का कार्य प्रगति पर है। बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती यह भी थी कि ट्रक द्वारा लाए गए माल के साथ साथ लेबर का उसी वक्त मिल पाना बड़ा मुश्किल रहता है। कई बार लेबर ना होने के कारण हम खुद भी लेबर बनकर ट्रक की अनलोडिंग करते हैं। पहाड़ों में कई बार ज्यादा माल आने के कारण उसे उतार कर रखने के लिए स्थान मिल पाना कठिन हो जाता है, फिर करनी पड़ती है एडजस्टमेंट, जैसे कि थोड़ा माल एक स्थान पर तो थोड़ा दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है। माल उतर जाने के बाद अगला कार्य रहता है उसे ढोकर कंस्ट्रक्शन फील्ड तक ले जाना, जिसमें काफी सारी लेबर लगती है अगर वक्त बचाना हो तो। आज हमारे पास 20 लोग हैं, जिनमें से 16 लोग ढुलाई के कार्य में लगेंगे और 4 लोग रूढ़ी को कट्टे में भरने में लगे हैं। और अब ये चल पड़े ऊपर की ओर बोझा लेकर। इस तरह सारी रूढ़ी इन लोगों ने एक दिन में ही ढो दी। फिर अगला कार्य था सरिये को अनलोड कर ढोने का। उसके बाद रेता उतारा गया, जिसे हमने अलग अलग 2 स्थानों पर रखा। रेत की अनलोडिंग के वक्त लेबर ना मिलने के कारण हमने रेता खुद ही उतारा। 2 दिनों के बाद लेबर मिलने पर कार्य शुरू हुआ ढुलाई का,
जिसमें 12 लोग मौजूद थे। कंस्ट्रक्शन फील्ड पर भी ज्यादा सीधी जगह ना मिलने के कारण रूढ़ी और रेते को एडजस्ट करके रखा गया ताकि वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ईंटें हमने पहले ही मंगवा कर धुला दी थी। बीच बीच में मौसम खराब होने के कारण हमें रेता तिरपाल से ढककर रखना पड़ा। रेता रूढ़ी और सरिया लाने के बाद का कार्य था शटरिंग को ढोकर लाने का, जिसमें पूरा एक दिन लगा। फिर कार्य चला सरिये को नाप कर उसकी कटिंग का, जोड़ बांधकर पिलर बनाने का। जब पिलर गड्ढे में रखा जाता है तो उसे नाप नपाई कर सीध में रखा जाता है। पहले पिलर के गड्ढे को पक्के पत्थरों से भरकर सीमेंट से पक्का किया जाता है। पिलर खड़ा होने के लिए ऊपर और सीमेंट रूढ़ी का मसाला भरा जाता है। बस यही प्रक्रिया सारे गड्ढों में दोहराई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर में गड्ढों की संख्या है 6, जिन्हें आपस में भी टाई किया जाएगा। इसी दौरान हमारी ईंटों के पास काफी सारी मशरूम भी उगाई, जो काफी सुंदर लग रही है। पिलर खड़े होने के बाद अगला कदम था दीवारों के चिनाई की, जो कि हमने पत्थरों की करवाई ताकि आसपास पड़े पत्थरों का ढेर भी खप जाए। चिनाई के बाद अब लेंटर के लिए शटरिंग की जाएगी। जिस दौरान ग्राउंड में शटरिंग की जा रही थी, उसी के साथ फर्स्ट फ्लोर के लिए पिलर को खड़ा किया जा रहा था। इस दौरान सेब और नाशपाती के पेड़ों को बचाने की काफी कोशिशें की जा रही थी। जैसे ही लेंटर को डालने का वक्त पास आया तो हमने सीमेंट के 100 कट्टे मंगवा कर धुला दिए। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डालने के बाद का काम था ग्राउंड फ्लोर के फर्श को डालने का, जिसके लिए पहले पत्थरों की सोलिंग की जाती है, फिर रूढ़ी रेता का मसाला भरा जाता है। इसी दौरान आसपास की दीवारों को बनाने का कार्य चला रहा। दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए मशीन को घर के पास लाना पड़ा, जो कि काफी भारी होने के कारण 4 लोगों द्वारा उठाई गई। अब कार्य चला दरवाजा खिड़की बनाने का। फर्स्ट फ्लोर के पिलर भी डाल दिए गए, जिसे मुझे कुछ कमी नजर आई, जिसे ठीक कराया गया। एक वक्त में 4 पिलर ही भरे जाते थे, क्योंकि ठेकेदार के पास 4 पिलरों की शटरिंग ही थी। ऊपर के 10 पिलर भरने के बाद का हमारा कार्य था ईंट की चिनाई करने का। दरवाजे खिड़की की चौखटें बनती गई और ईंट की चिनाई भी पूरी पूरी होती गई। काफी सारे पत्थर होने के कारण हमने ऊपर की बैक साइड की चिनाई भी पत्थरों की ही करवाई। अब फर्स्ट फ्लोर का लेंटर भी पड़ गया है। चिनाई प्लास्टर पूरा होने के बाद हमारा कार्य रहा वॉल पुट्टी का, जिसे लगातार करवाया जा रहा है। इसी दौरान सेब का सीजन आने पर सेब की तुड़ाई भी प्रगति पर है। कारपेंटर भी अपने काम में व्यस्त है, जिन्होंने अलमारी बनाने का कार्य शुरू किया हुआ है। अब ये रही किचन, जिसमें कबर्ड बनाए जा रहे हैं और दीवारों के लिए पिट्ठू बनाए जा रहे हैं। क्योंकि पहाड़ों पर ज्यादातर लोग नीचे फर्श पर बैठना पसंद करते हैं, जिस कारण पीठ दीवार पर लगती है। अगर लकड़ी के पिट्ठू ना लगाए जाए तो सीमेंट की दीवार पर पीठ रखकर बैठना काफी ठंडा रहता है। एक कमरे की अलमारी अभी तैयार हो चुकी है और अब किचन भी तैयार हो रहा है। दोनों मंजिल में अब पेंट का कार्य भी शुरू हो गया। पूरे 3 साल बिताने के बाद अब हमारा प्लान है कि आगे 2 कमरों का एक हॉल बनाया जाए। प्रोजेक्ट पे काम चला हुआ है। 5 बजे से पहले वो छुट्टी कर लेते हैं तो चढ़ाया जाएगा ट्रक में।